हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। वो नोटिफिकेशन क्या है, बेसिकली आपका जो आसाम का सेट एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आसाम स्टेट में दिया जाता है, उसका नोटिफिकेशन कल ही आउट हुआ है। एंड उसके हिसाब से, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से, अब आपका जो नेक्स्ट आसाम सेट एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 17th of March 2024 संडे। ठीक है, यानी 17th of March को आपका एग्जाम है। एंड जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं? 23rd of November से लेके 8th January 2024 तक, यानी कल परसों ही ये फॉर्म आउट हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर से, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स आसाम को बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट कब से कब तक है फिल करने की, याद रखना आपको 23rd of November 2023 से लेके 8th of January 2024 तक। ठीक है, सो लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए। ऐसे नहीं कि हम जनवरी में उठ के फॉर्म भरेंगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। अभी ही फॉर्म फिल कर लीजिए। एंड फॉर्म क्या है, कैसा है, वो सब मैं आपके साथ ब्रोशर में डिस्कस करती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ब्रोशर में जो भी मेंशन है वो सब डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको डिटेल में पता। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आपका आसाम के सेट। ठीक है, सबसे पहले पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपके मास्टर्स में कितने होने चाहिए। आपके मास्टर्स में कम से कम 55% तो होने ही चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 55% ऑफ मार्क्स आपके मास्टर्स में होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी मार्क्स कम से कम आपकी मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में है मास्टर्स के, तो क्या वो एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है? हाँ, वो एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट से, फॉर एग्जाम्पल, आपके थर्ड सेमेस्टर में है मास्टर्स के या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी आसाम का सेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम देके आ सकते हैं, वो लोग भी एलिजिबल है। कंडीशन अप्लाई, जब आपका रिजल्ट आएगा मास्टर्स का, तो कम से कम 55% या 50%, जिस भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप उतना तो मार्क्स आपका आना चाहिए, तो ही आप आसाम सेट को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो ये रही आपके सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में आसाम का सेट एग्जाम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं असमीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, है ना। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, और उन सबका सब्जेक्ट कोड भी मेंशन है यहाँ पे उनके साइट पे, है ना। आप देख सकते हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। तो आप देखिएगा आपका ये सारे सब्जेक्ट क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर टू है। ये सारे सब्जेक्ट क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर टू है। ठीक है, तो पेपर टू क्या होगा आपका, वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है कि मास्टर्स में आपने क्या लिया है। ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है मास्टर्स में। जैसे आपने से किसी ने सपोज किया है एमकॉम इन अकाउंटेंसी, ठीक है, या एमकॉम इन अकाउंटेंसी की है, तो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पेपर टू का कॉमर्स। ठीक है, और वैसे ही अगर आपने से किसी ने सपोज एमबीए किया है, तो आपका पेपर टू क्या बन जाएगा, आपका पेपर टू बन जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे आपका जिसमें भी है, किसी ने एमए इन हिस्ट्री किया है, तो आपका पेपर टू क्या बन जाएगा, आपका पेपर टू बन जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे करके आप अपना पेपर टू देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो ये रहे सारे टेस्ट सेंटर्स। ये टेस्ट सेंटर्स गिवन है, ये आपको कब काम आएंगे पता है, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे ना अपना आसाम सेट का, तब आपको टेस्ट सेंटर को चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी टेस्ट सेंटर आपसे सबसे नजदीक में हो ना, उसको चूज कर लेना। ठीक है, आपको पता है आप कहाँ पे रहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नजदीक पड़ता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सेंटर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, सिलेबस जो है वो नेट का ही सिलेबस है। ठीक है, यानी जो नेट का सिलेबस है, सेम आसाम सेट का भी सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस देखना है, तो ये रही आसाम सेट की वेबसाइट, www.sletany.org। ठीक
ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एनीवे दे दूंगी ताकि आप अपना फॉर्म फिल कर सकें, ठीक है। तो असम सेट की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप अपना पेपर वन एंड पेपर टू का सिलेबस देख सकते हैं, या अदरवाइज जो नेट का सिलेबस है आप सबको पता होगा, नेट एग्जाम का जो सिलेबस है पेपर वन एंड पेपर टू का सेम सिलेबस आपका आसाम सेट का भी रहेगा, ठीक है। स्कीम ऑफ टेस्ट, अब स्कीम ऑफ टेस्ट कैसे है, बेसिकली दो ही पेपर है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन रहेगा 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का, यानी टोटल 100 मार्क्स। वैसे ही पेपर टू में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका पेपर होगा 300 मार्क्स का, जिसमें से 100 मार्क्स है आपके पेपर वन के और 200 मार्क्स है आपके पेपर टू के। टाइम कितना मिलेगा आपको, पेपर वन के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, पेपर टू के लिए आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी टोटल पेपर टाइम कितना है, 3 आवर्स। टोटल पेपर टाइम कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे आपको टोटल ही मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। उसमें आपको पेपर वन भी कंप्लीट करना है, उसमें आपको पेपर टू भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको आंसर आता है या नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि गलती से भी वो क्वेश्चन राइट हो गया आपका तो एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलेगी, और रॉन्ग हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टेप्स गिवन है, आप स्टेप वन स्टेप टू करके आपको सारा गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें पूरा बताया गया है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं ए बी सी डी। तो सपोज सी आपका राइट आंसर है तो उसको ऐसे सर्कल करना है, पूरा सर्कल करना है, देखिए, ठीक है, ऐसे 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 सर्कल करना अलाउड नहीं है। राइट तरीका क्या है, राइट तरीका है कि कंप्लीट सर्कल को आप सर्कल करके, ठीक है, पेपर में आप देख सकते हो, सपोज बी आंसर है या सी है या डी है या ये ए है, तो ऐसे आपको फिल करना है ओएमआर शीट में अपने आंसर्स को। ये राइट वे है जिसके थ्रू आप ओएमआर शीट में अपने आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फीस क्या है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस है 1200, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 1050, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से है तो 1050, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 1000 और पीडब्ल्यूडी से है तो 800, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैंने आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है आसाम सेट का, ठीक है। आसाम सेट की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप जाइए वहां से जाके फॉर्म फिल कीजिए। एंड अगर आपको स्टडी करना है आसाम सेट के लिए तो मेरे ही इस चैनल पे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें पेपर वन तो बहुत सारा अवेलेबल है, प्लस अगर पेपर टू आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है तो उसके भी लेक्चर्स, मैराथन, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे। तो जाइए, इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगा पेपर वन भी और पेपर टू भी, तो वहां से जाके अपने आसाम सेट की प्रिपरेशन कर सकते, ठीक है। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आसाम में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। अनसब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।